मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के बुजुर्ग आलम दीन मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नजफी सफरे आखरत पर रवाना हो गए। उनकी नमाज जनाजा में अल्लामा साजिद नकवी, राजा नासिर अब्बास, ईरान और इराक के सफरा, मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात इंतजार हैदरी की रिपोर्ट में। रूहानी और फकीह शख्सियत अलामा शेख मोहसिन अली नजफी की नमाज जनाजा जामिया अल कौसर इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में मिल्लत जाफरिया की जैद शख्सियत अलामा साजिद नकवी, अलामा राजा नासिर अब्बास, शेख रियाज नजफी, ईरान और इराक के सुफरा समेत उलमा व मशायख समेत अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा बुजुर्ग आलम दीन शेख हसन जाफरी की इक्तदा में अदा की गई। उलमाए कराम का कहना था कि शेख मोहसिन नजफी ने मुल्क व मिल्लत की शोबे तालीम समेत हर शोबे में भरपूर खिदमात अंजाम दी जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। कौम मिल्लत का दर्द रखने वाली ऐसी शख्सियत थे जिसने कौम मिल्लत की हर पहलू से खिदमत कर मदद की। इनका जाना आज सिर्फ ये नहीं है कि हमारे लिए नुकसान है, मैं समझता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, आलम इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी, बल्कि पूरे आलम के एतबार से बेमिसाल खिदमत अंजाम दी हैं। मदारिस, मसाजिद, इमाम बारगाहें, यतामा, मसाकीन, सैलाब जदगान की मदद, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है। उलमाए कराम का मजीद कहना था कि शेख मोहसिन नजफी ने जिस तरह जिंदगी भर खिदमात अंजाम दी वो उलमाए कराम व असातिज़ा अज़ाम समेत कौम के लिए मशाल रहा है। कैमरामैन उमर रफा के साथ इंतजार हैदरी, जी टीवी न्यूज़ इस्लामाबाद।